असम त्रिपुरा बॉर्डर पर गांजा तस्करी के खिलाफ असम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि शनिवार को असम त्रिपुरा बॉर्डर के पास करीमगंज जिले में पुलिस ने 1480 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही ट्रक के जरिए गांजा तस्करी को अंजाम देने वाले ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक ट्रक अगरतला से आ रहा था। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।